काम कर। पाहिलेस पार्थ, सुवर्णाचे दान तुम्ही दोघांनी केले, परंतु तू दान करत असताना त्याचा ताबा तू तुझ्याकडे घेतलास, त्याचे स्वामित्व मिळवलेस। तुझ्या मनी हा भाव होता की सर्वांनी माझा गौरव करावा। पहा, तुझा अहंकार, तुझा स्वार्थच आहे, परंतु यातली कुठलीच भावना कर्णाने दाखवली, त्यामुळे त्याचे दान हे त्याच्या इतकेच निर्मळ होते। त्याने दान न करता धर्माचे पालन केले। सबसे बड़ी बात ये ना कि ये इतना दुख रहा है, मेरा माथा ठनक रहा है, फिर भी चेहरे पे एक्सप्रेशन रखने पड़ रही है। It's like I'm feeling like a roasted chicken। परंतु आता धर्म भूमि त्याच्या ह्या अंतिम प्रवासात तुम्हालाच त्याचे सोबती व्हावे लागते। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेस व्लॉग। आज जैसे कि आप देख चुके हो, मैंने क्लीन शेव किया है वापस आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ। लास्ट मैंने जब किया था तब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि क्यों क्लीन शेव किया। तो उस वक्त भी मैंने एक ऑडिशन दिया था एंड दिस टाइम ऑल्सो आई गॉट अ चांस टू ऑडिशन फॉर अ टीवी सीरियल। द रोल इज ऑफ श्री कृष्ण। तो अभी मैं फिलहाल अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रहा था, जैसे ही 2 सीन कंप्लीट हो गया मैंने बोला हाँ थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते। सो द थिंग इज कि दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मी दैट आई एम वर्किंग इन अ सीरियल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई वांटेड टू शेयर दिस मोमेंट विद यू गाइस एंड दिस हैज जस्ट हैपेंड बिकॉज द सपोर्ट दैट यू हैव शोन इंस्टाग्राम पे। जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हो, जितने व्यूज मिल रहे हो, जितना मैं गा रहा हूँ उतना, जितना मैं स्प्रेड कर रहा है मेरा आईडी, उसके हिसाब से ही ये मिला होगा। और ये रोल मिलने के पीछे आप लोगों का ही हाथ है ऐसा मैं मानता हूँ, और भगवान का ही है। तो स्टार्टिंग माई करियर, स्टार्टिंग माई जर्नी विद द रोल ऑफ श्री कृष्णा इज वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड या सो लेट्स सी। आई जस्ट गिव यू अ स्निपेट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड। तुम्ही म्हणाल तसं काढायचं असेल पूर्ण तर काढून टाका। काय आई बीन डूइंग द मेकअप फॉर द पास्ट 3-4 आवर्स। मैंने लाइफ में कभी अपनी यूनिब्रो नहीं निकाली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे चिंतित त्रास झालेला आहे कृष्ण। एकदा इकडे बघतो क्रिटिकल दिख रहा है मेरे को, नहीं करना ये। I'm finally getting ready for my take. So this is the set. We are in assembly hall of a school. That's Mohini. She's very strict. And she's bahut hai na ki unke bigar set pe ek kaam bhi nahi ho pata. This is the one. So this is the location on which we are shooting. And here's the camera. So this is the camera. सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये इतना दुख रहा है मेरा माथा ठनक रहा है, फिर भी चेहरे पे एक्सप्रेशन रखने पड़ रही है। मुझे ही पता है कि इस चीज से इतनी गर्मी हो रही है, मेरा समर छटा जा रहा है। निकाल। पहले तो लुक टेस्ट होता है, फिर जैसे ही कोई चेंज होता है तो उसका फोटो निकाल के फिर प्रोड्यूसर्स को भेजा जाता है, फिर वो करते कि यार इसमें थोड़ी ये चेंजेस चाहिए। तो वैसे करके अभी तक 4 से 5 बार मेरे चेंजेस हो चुके हैं, फाइनली ये लुक जो है, ये गेटअप जो है, ये स्किन का शेड जो है वो फाइनल हो चुका है। एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग स्टैंडिंग ऑन दिस सेट। दिस इज द क्रोमा सेट जहाँ पे बाद में सारी चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। अभिषेक ने मुझे बुलाया है सुबह 6:30 बजे और अभी तक एक भी शॉट नहीं हुआ है, एक भी। आप समझ रहे हो? पता नहीं, अभी एक भी शॉट नहीं हुआ है और 4 सीन करने थे मेरे ख्याल से। आज दिन का शेड्यूल कितना था? 4 सीन करने थे एक दिन में, एक भी नहीं हुआ है। तो आज लगता है नाइट होने वाली है। नहीं, लाइट नहीं है।
रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ड्यू टू कॉपीराइट्स रूल या फिर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि जब तक की एपिसोड रिलीज ना हो जाए तब तक उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आउट नहीं करनी होती। थिएटर में इट्स वे टू ईजी कि एक छोटी सी चीज़ आप उस कैरेक्टर से मिलती जुलती पहन लो और अपने आप को कैरेक्टर इस्टेब्लिश करके आप एक्ट करके निकल जाओ। शूटिंग में ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ तो बैठ बैठ के राह तकती तकती यहाँ पर देर हो रही है बहुत, जल्दी से बस टेक हो जाओ, यहाँ से निकलूँ मैं बस। सो दिस इज द सेकेंड डे ऑफ आर शूट एंड वी आर ऑन द लोकेशन। आँखें देखो यार, मेकअप ही नहीं उतर पाया कल से, तो निकालने के लिए कुछ एक वाटर होता है वो यूज़ करना होता है बट वो था नहीं मेरे पास वक्त यार, काफ़ी लेट हो गया तो मैं सीधा जाके सो गया। लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है, होप सो आज पैकअप हो जाएगा। सो दिस इज द सेटअप दैट्स बिहाइंड मी एंड आई हैव टू स्टैंड ओवर हियर, यहाँ पे खड़े रह के पूरा सेटअप पूरा यूनिट आपको देख रहा होता है एंड काफ़ी फट रही होती है लेकिन फिर भी आपको एक्सप्रेशंस मेंटेन करने होते हैं, इतना बड़ा कैमरा होता है। दैट्स द डायरेक्टर सर सिटिंग ओवर देयर, सचिन सर। सो हेलो गाइस, आज मैं व्लॉग नहीं कर पाया, बहुत सुबह से बहुत भागदौड़ चल रही थी क्योंकि मुझे 3 बजे निकलना है, तो यूनिट ने जो है वो पूरा शेड्यूल पूरा फास्ट कर दिया था, सो आई वाजंट एबल टू व्लॉग। बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर 3 थिंग्स कि अगर ये शूट चल रहा था, शूट में कुछ एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, ऐसे नहीं कि सब लोग खड़े हो गए हम लोगों ने शूट कर लिया। सो देर आर थ्री शॉट्स, वन इज मास्टर शॉट जो कि बहुत वाइड एंगल होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स टॉप टू बॉटम पूरे दिखते हैं। द सेकेंड वन इज मिड शॉट जिसमें 2 लोग दिखते हैं, 3 लोग दिखते हैं या तो फिर कमर तक उसमें उस कैरेक्टर को कवर किया जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ क्लोजअप या तो फिर मिड क्लोज जिसमें उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे दिख के आते हैं। सो आज का मेकअप अगर आप देखोगे तो कल का बहुत बहुत ही लाउड था क्योंकि मास्टर फ्रेम्स कल शूट हुए थे, और आज का बहुत सटल किया, बहुत ही प्लेन किया क्योंकि आज क्लोज जो है एक्सप्रेशंस जो है वो उसमें कैप्चर होने वाले थे, इसकी वजह से उन्होंने कम मेकअप रखा, ऐसा उन्होंने कहा है। एवरेज टाइम जो लगता है वो होता है 3 से 4 दिन एक एपिसोड का, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट कल मुझे 6 बार कॉस्ट्यूम चेंज कराना पड़ा था तब जाके वो फाइनल हुआ था रात को 8:30 बजे। कल रात को मास्टर शॉट सारे शूट हो गए, आज सारे क्लोजअप हैं और अभी फिलहाल मुझे लग रहा है मेरे 3 से 4 शॉट बाकी है, हो जाएंगे तो आई बी फ्री आउट ऑफ दिस थिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि 2 या 2:30 बजे तक वो हो जाएगा, और हमेशा एक आदत लगी हुई है घड़ी देखने की तो मैं ऐसे करता हूँ लेकिन यहाँ पे है नहीं। लिख लो कहीं MPSC UPSC में ना जाए। It feels good actually, you know, it's like I'm feeling like a roasted chicken, maybe tandoori, I'm sure it tastes good. परंतु आता धर्म म्हणून त्याच्या शेवटच्या प्रवासात तुम्हालाच त्याचे सोबती व्हावे लागते। हेलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्लॉग, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इस व्लॉग में मैंने इनिशियली ऑडिशन टेप और एक्चुअल फुटेज दोनों को मिला के वीडियो अपलोड किया है। होप यू गाइस हैव गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स। पिछले वाले व्लॉग को भी लगभग 350 लाइक्स मिले थे तो इस बार थोड़ा सा टारगेट बढ़ा देते हैं, 400 लाइक्स का रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पिछले वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि डांस वीडियो पे एक व्लॉग आने वाला है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये पहले अपलोड हो जाना चाहिए। एक और व्लॉग है जिसमें मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट जो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी स्क्रिप्ट जो डिकोड करते हैं उसका डिकोडिंग भी एक स्क्रिप्ट में बना दिया है मैंने। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू द चैनल। Thanks.